ओम शांति। आज की तारीख है 30/3/19 और ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। प्रश्न है, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर है, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को सकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी और विकर्म भी विनाश होंगे। इसे ही योग अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप में लगाना है। बाप की करंट को कैच करना है। नंबर दो है, आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है। ऐसे नहीं कि हाँ बाबा कहते हैं आत्मा भाई भाई तो हम आपस में भाई भाई हैं, परंतु अंदर के प्यार की कोई झलक चेहरे पर न हो तो बाबा कहते हैं उसे सच्चा लव नहीं कहते। तो आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है। सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसीलिए भ्रुकुटी में ही देखकर बात करनी है। वरदान सतगुरु बाबा का कि बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना धारी भव। बाबा कहते हैं कि अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, समझो हमने उनको कुर्सी पे ना बिठा के और हमने नीचे बिठा दिया, या उनको आगे ना बिठा के पीछे बिठा दिया, तो कईयों को छोटी छोटी बातों में फीलिंग आ जाती है। तो फीलिंग आने से क्या करते हैं, फिर डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब होकर के बाबा का घर या पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने में, पर चिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हो कि क्या करें, मेरे ये संस्कार हैं, इसीलिए मैं परवश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला कराता है और फिर उसमें मेरापन, तो बाकी भी ढीले पड़ जाते। तो ये मेरापन रावण की चीज है, मेरी नहीं। लेकिन जो बाप के संस्कार हैं, वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। वह संस्कार क्या है, तो विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतन धारी और सभी के प्रति शुभ भावना शुभ कामना धारी। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे हम हरेक के लिए ओरिजिनल जो अंदर में हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों को हम इमर्ज करें। स्लोगन है, जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने के अधिकारी है। अगर हमारे में सामर्थ्य है तो बाबा कहते हैं कि वो सर्व शक्तियों के खजाने के अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।